और दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपके जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम लिए जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो दोस्तों हम आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार। इससे जो पहले की वीडियो में दोस्तों हम आपको जो आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपके तीन सब्जेक्ट रहते हैं, पहला आपका रहता है हिंदी, दूसरा रहता है आपका इंग्लिश एंड तीसरा रहता है आपके उद्यमिता, उसका हम कम्प्लीट सॉल्यूशन बता चुके हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए, ठीक है। और आज हम दोस्तों आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे हैं आपके ओपन बुक एग्जाम, तो मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पर सर्च कीजिए agilasy.com, तो वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो sktree.com सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित आव्यूह ए के आयगन मान और संगत आयगन सदिश ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें एक आव्यूह दिया गया है जो कि ए बराबर दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका आयगन मान और आयगन सदिश इस तरीके से कुछ आपको ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया, सबसे पहले हमें आव्यूह ए का अभिलक्षण के समीकरण जो होता है वो पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा मॉड ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो होता है। तो इसी से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सबसे पहले हमें इस आव्यूह को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए क्या इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाना होगा, फिर इनका इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर जीरो बचेगा। तो माइनस तरफ जाए इस तरीके से लैम्डा स्क्वायर बराबर दोस्तों आप क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो जो लैम्डा का मन आएगा वो आएगा आपका प्लस माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप नोट करते जाइए, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हमने एक सब्जेक्ट आपका कवर कर दिया है जो कि आपका था, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, ठीक है। और दोस्तों नोट करते जाइए, यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ दिखाई दे जाएगी एसकेटीज पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद हेमंत, ठीक है। लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ही, ठीक है, जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर दो था व्युत्क्रम समीकरण को हल कीजिए। हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि एक्स की पावर फोर माइनस दस एक्स क्यू प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर जीरो, हमें समीकरण दिया गया है जो कि व्युत्क्रम समीकरण है, तो इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो किस तरीके सॉल्व होगा, पूरा सबसे पहले आपको दिया गया है व्युत्क्रम समीकरण लिखना, उसके बाद समीकरण लिखकर इसको समीकरण नंबर एक दे देना, फिर उसके बाद इसे आपको आगे सॉल्व करते जाना इस तरीके से। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके बताया गया, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी, किसी भी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा पेजों में नहीं करना, क्योंकि आपको बस ओनली 16 पेजों की कॉपी ही प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। तो 16 ही पेज में आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे पूरे क्वेश्चन में चाहें तो दोस्तों आप नोट करते जाए, चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप नोट करते जाए वीडियो के साथ ही, तो वो भी चलेगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। फिर तीसरे क्वेश्चन था डी माइवर्स प्रमेय से समीकरण हल कीजिए। तो हमें डी माइवर्स प्रमेय होती है, उसके द्वारा समीकरण को सिद्ध करना। समीकरण है एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 बराबर 0, तो एक काफी बड़ा समीकरण, इसको हमें सिद्ध करना है। कोई भी सिंपल वर्ग समीकरण होता है तो उसे हम सिद्ध क्या सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए जब भी घात ज़्यादा होती है उसके लिए हम क्या डी माइवर्स प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते इस तरीके से कुछ डी माइवर्स प्रमेय का उपयोग किया जाता है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप खंड बात है दोस्तों, आपको खंड आ दिया गया था, खंड हमारा बात है, खंड आया यानी सेक्शन बी में दिया गया है, वक्र दिया गया है बाई टू बराबर दोस्तों क्या दिया गया 2a माइनस एक्स बराबर क्या दिया गया दोस्तों एक्स क्यू,
का हमें अनुरेखण करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या इसका अनुरेखण करना है। अनुरेखण किस तरीके से करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सबसे पहले आपको समिति ज्ञात करनी पड़ेगी कि समिति क्या है। तो दिए गए वक्र में समीकरण में घात समय इसमें एक्स अक्ष सापेक्ष समिति है। किस अक्ष सापेक्ष है दोस्तों, एक्स अक्ष। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरीके से समिति ज्ञात करनी, फिर आपको मूल बिंदु पता करना, क्योंकि मूल बिंदु का तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा है, y2 = 0 है। देखिए जो वक्र, देखिए मूल बिंदु क्या होता है, देखिए समझा देता हूँ मैं थोड़ा। इस तरीके से हमारा रहता है, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष रहता है, ये आपका वाई अक्ष रहता है। मूल बिंदु बिल्कुल यहाँ पर रहता है आपका मूल बिंदु, ठीक है, जो कि 0 0 पर रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपका मूल बिंदु यहाँ से रेखा जा रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चित्र आपको 7.3 दिया गया है। फिर आपको अक्षों से प्रतिच्छेद ज्ञात करना है। उसके बाद अनंत स्पर्श जो कि आपका मेन पॉइंट रहता है, अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है। तो अनंत स्पर्श इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको क्षेत्र ज्ञात करना है कि कौन सा क्षेत्र समीकरण एक से, इस तरीके से आपको क्षेत्र ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ये आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या दिया गया, x² / a² ठीक है, फिर आपको दिया गया है +y² / b² = 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों क्लास 12 में भी इस तरीके के आपने किए होंगे, समाकलन विधि से हम करते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल 4x 4 × a b का, क्योंकि यहाँ पर आपको दीर्घवृत्त दिया गया इसलिए हमने 4 का गुणा किया। इस तरीके से आपको एक क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन था, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, इसको समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको देख सकते हैं सेम टू सेम क्लास 12 का क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अवकल समीकरण दिया गया है y² - 2px + p² x² - 1 = m² का व्यापन ज्ञात कीजिए, तथा विचित्र हल भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों विचित्र हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दिया है सबसे पहले यहाँ पर है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो y - px का मान आपको मिल जाएगा, समीकरण एक दे देना है। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करना है, यह क्या दोस्तों क्लोरीन रूप का समीकरण, इसलिए पी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सी रखते हैं। जब भी दोस्तों इस तरीके का समीकरण आता है तो उसकी में हम क्या क्लोरो समीकरण होता है, और पी के स्थान पर हमेशा हम सी रखते हैं, तो यहाँ पर सी रख देंगे। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आपको आगे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों को सेक्शन सी आ जाता है, जो खंड सा है हमारा। प्रश्न दिया गया, फलन दिया गया 5 = x² + y² + z। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होगा ही, बस आप सॉल्यूशन नोट करते जाएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देर के बाद की आपके लिए इतनी मेहनत से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल टास्क है आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, x y समतल में निम्न समाकलन, तो यहाँ पर ये आपका x y समतल दिया गया है, ग्रीन प्रमेय स्थापित कीजिए। हमें ग्रीन की प्रमेय स्थापित करनी है, जो कि थर्ड आपका मैथ है। इस तरीके से आपको ग्रीन की प्रमेय स्थापित कर देनी है। ठीक है, ये आपके ग्रीन की प्रमेय का पूरा सत्यापन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए आपका पूरा हो जाएगा, फिर आता सिद्ध कीजिए कि किसी शंकव की नाभि जीवाओं के मध्य बिंदु था, बिंदु पर उसी प्रकार का एक शंकव है। तो ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। फिर देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको भी क्या, एक बात मैं आपको बोनस पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, जो कॉपी लिखी गई है बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है, क्योंकि जो भी जहाँ से तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए कि लिखा क्या गया है, क्योंकि ओपन बुक से आपके पेपर ले जा रहे हैं, अगर आप स्पष्ट नहीं लिखेंगे तो जांचने वाला आपका मार्क्स बहुत ही जल्दी काट लेगा। इसलिए इसी तरीके से आपको स्पष्ट और दूर दूर साफ तरीके से लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स अगर चाहते हैं तो इसी तरीके से कॉपी आपको लिखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी स्पष्ट कॉपी लिखी गई, इस तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।